और ये शाम की वीडियो है गाइस, मैंने छोटी सी क्लिप इसमें ऐड कर दी है आप सभी को दिखाने के लिए कि आप सभी लोग मुझे बार बार बोलते भी हो कि भाभी जी आप बोलते हो केवल कि हमारे यहाँ बंदर है, लेकिन कभी आपने दिखाया नहीं बंदर, जबकि बहुत सारी वीडियो में मैंने दिखाया है बंदर, लेकिन शायद बहुत सारे लोग न्यू भी जुड़ते हैं तो उनको भी नहीं पता। तो ये शाम की क्लिप है, हम लोग बाहर छत पे थे तो इसके बाद यहाँ पे ये सारे लोग थे, तो मैंने कहा चलो आप सभी के लिए छोटी सी क्लिप शूट करते हैं, तो इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए अभी तो बहुत कम है, बहुत सारे रहते हैं, ये मैंने जूम करके थोड़ा सा शूट किया था। गुड मॉर्निंग जी, चलिए ये देखिए पकौड़े बने हैं आज के नाश्ते में, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है तो इसलिए, और यहाँ पे आराम से बिस्तर पे बैठ के खाया जाएगा, और क्योंकि और साथ में चाय, क्योंकि चाय थोड़ी सी नमन भी पियेंगे इसीलिए दो चाय रखी मैंने, और क्योंकि थोड़ी सी इनको भी पीनी है चाय के साथ, और सॉरी पकौड़ी के साथ अच्छा ही लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सभी? और आज जो है मैं क्या बोल रही थी, एक सेकंड, और आज ना इतने सारे कपड़े हो गए थे कि पूछिए मत, मतलब मुझे एक घंटे लग गए थे पूरे कपड़े धुलने में, और मैं हाथ से ही धुलती हूँ ये आप सभी को बताया, तो फिर जो है बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि कल जो है, हाँ कल मैंने नहीं धुले थे, जैसे स्कूल की छुट्टी है, मतलब कल के कपड़े कल तो धुल ही दिए थे, मतलब जो स्कूल का यूनिफॉर्म है नमन का, तो स्कूल का हो जाता है, सूज हो जाता है, इनका दो ड्रेस है और इसके बाद सब धुलना था तो वो भी, और जो डेली के कपड़े होते हैं वो तो थे ही, और जो डेली का काम होता है वो तो रहता ही रहता है। तो इसलिए मैंने अभी जब मैं कपड़े धुल रही हूँ, वैसे तो मैं सुबह में नमन को छोड़ के आती हूँ तो सबसे पहले मैं काम में ही लगती हूँ, मैं कोई दूसरा काम नहीं करती, मैं यहाँ तक कि मैं आती हूँ मैं ये नहीं चेक करती कि देख लूँ एक बार किसी ने मैसेज किया हो क्या किया हो, मैं कुछ भी नहीं, मैं सीधा फ़ोन घर में रखती हूँ और इसके बाद लग जाती हूँ, तुरंत झाड़ू उठाती हूँ और इसके बाद जो है जहाँ झाड़ू नहीं लगा होता है वहाँ झाड़ू लगाते हैं, रूम में और किचन में तो लगा ही लेते हैं और बाहर बालकनी में, लेकिन कई बार होता है कि जल्दबाजी में अगर सही से नहीं लगाए हैं, जैसे नमन नहीं उठे हैं सब, मैं पहले उठ गई हूँ तो बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगाती मैं, तो इस वजह से फिर दोबारा लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर हो जाता है मेरा काम। और तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि झाड़ू पोछा करके और सीधा मैं जाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ और नहाती हूँ, बस इसके बाद तब जाके मैं आती हूँ अंदर, तब अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। तो अभी तो छुट्टी का समय है, तो जब छुट्टी है तो फिर वही हो जाता है ना कि जब स्कूल रहता है तो पूरा मतलब हर काम का जो रूटीन होता है ना वो हमारा सही होता है, और जब छुट्टी होती है तो वही काम लेट हो जाता है, क्योंकि ना उठने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना खाने का टाइम, कोई वो नहीं होता है, तो सारी चीज़ें मतलब चेंज हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो स्कूल रहता है तभी सही रहता है, क्योंकि सारे काम जल्दी हो जाते हैं और सब टाइम से होते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और आप सभी लोग वॉशिंग के वीडियो बोल भी रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ऐड करती हूँ, देखती हूँ अगर जाता है वीडियो तो ठीक है, और नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइस, थोड़ा बहुत ब्लर भी कर रहा है कैमरा, क्यों ब्लर कर रहा है? आप सभी लोग बोलते हैं कि वीडियो क्लियर अपलोड किया करो, तो यही रीज़न है कि जब मैं कैमरा थोड़ा दूर रखूँगी तभी मैं पूरी दिखती हूँ, और नहीं तो कहीं सर कट जाता है, तो कहीं पैर कट जाता है, तो फिर जो है ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने कैमरा जो है बाहर ही रखा है, तब जाके मैं इसमें पूरी दिख रही हूँ। तो अभी पता नहीं अपलोड होगी कि नहीं, अगर अपलोड होती है तो ठीक है, क्योंकि जो है मेरा फ़र्ज है आप सभी का रिक्वेस्ट पूरा करना, थोड़ा बहुत दिखाना, और लेकिन अपने तरफ से कोशिश करती हूँ, जब नहीं होता है तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं, और जब हो जाएगा तो ठीक है, तो लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश तो करना ही चाहिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना सपोर्ट किया है, तो कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं करती भी हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल के हो गए थे, और यही होता है जब ये पटियाला सूट, वही होता है ना कि जैसे जब आप एक ही मतलब एक ही ड्रेस में रह जाते हो, जैसे कि मेरा घर पे यही है कि मैं हमेशा जो है
ट्राउज़र और टी शर्ट यही पहनती हूँ या फिर प्लाजो टी शर्ट पहन लिया ऐसे पहन लिया, तो वही मेरी आदत है। तो मैं इस पटियाला सूट पहनी थी, मुझे मतलब इधर से उधर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भीग रही हूँ और भीग भी गई थी। भीग तो वैसे मैं हर ड्रेस में जाती हूँ, तो यही रीज़न है कि मैं जो है नहाते वक्त सारे कपड़े धुल लेती हूँ और जितने भी होते हैं। तो बहुत सारे जैसे मान लिया अब नमन है स्कूल से आएंगे तो वो कहीं जो है उनका कई बार हो जाता है कि दिन में दो कपड़े हो जाते हैं, तो जो पहले से ही बाथरूम में रखे होते हैं तो मैं नहाने से पहले उसको धुल देती हूँ, तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहती है। वैसे हमारे घर में मतलब रखा नहीं रह जाता है, सारा मैं धुल के ही रखती हूँ। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, बच्चों में हो जाता है ना, कभी कुछ खाया कुछ गिरा लिया, तो इस तरीके से। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, नमन घर में रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और आप लोगों ने देखा भी है बहुत वैसे ही रहते हैं ये, कोई वो नहीं है इनका। तो अभी जब मैं एडिटिंग कर रही, क्या हुआ बेटा सो जाओ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो बहुत टाइम हो गया है गाइस, और इसके बाद मेरी जब थोड़ी बहुत आवाज़ सुन के नमन डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि 12:30 बज रहे हैं रात के। मेरी एडिटिंग करने का टाइम ऐसे ही हो जाता है क्योंकि एक वीडियो एडिट करने में जो है लग जाता है कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाता है, क्योंकि उसको इधर उधर से काटना होता है। इतना नहीं है जैसे कि ये जितना काम मैंने किया है वीडियो में दिखाया है गाइस, 8 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट में ये सारे काम नहीं होते हैं। ये वीडियो कम से कम एक एक क्लिप होती है 10 से 15 मिनट की, उसको काटना भी पड़ता है, फास्ट भी करना पड़ता है, फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, इसके बाद एक्सपोर्ट होता है, तब जाके अपलोड होता है, तो घंटों लग जाती है एक वीडियो में। तो इस वजह से जो है टाइम लगता है और लेट हो जाता है। लेकिन अभी से मैं सोच रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं 11 बजे तक काम करके और इसके बाद जो है सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह उठना होता है तो फिर एकदम से जो है सर भारी लगता है और चिड़चिड़ापन रहता है। जैसे कि अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है ना तो फिर एकदम से आलस लगती है। तो इस वजह से मैं अब कोशिश करूंगी, अब बिल्कुल भी नहीं, मैं मतलब देखती हूं और इसके बाद में मैं सो जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी 11 भी नहीं बजने दूंगी, क्योंकि मुझे जो है जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। सोना चाहिए टाइम से और उठना भी चाहिए टाइम से, दोनों बात है। और जब लेट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, अभी जब मैं इतना टाइम हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, कई बार हो गया था कि 12:30-1 बजे जाते हैं। कई बार होता है कि एडिट किया, इसके बाद जो है एक्सपोर्ट नहीं होती है वीडियो, तो फिर से करना पड़ता है। तो यही सब धूप है कि क्या ही बताएं। और यहाँ तुम क्या किए हो, ये देखिए मैं आप सभी को ऊपर दिखाऊँ, देखिए पूरा फैला के यहाँ पे भी, मतलब मेरा काम आसान नहीं है, मेरा काम और फैल चुका है। अब मैं चल रही हूँ, देखती हूँ कैसे क्या उसको वहाँ पे भी सही करेंगे। यही होता है बच्चों में, एक बार मैं ठीक करके सब गई और इसके बाद फिर से मुझे वैसे ही मिल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, देखती हूँ।